नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ पे। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया बेफी का जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है 14 अगस्त 2019 को, उसको शेयर करने जा रहे हैं। ये जो सर्कुलर है, ये 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बारे में आया है। बेफी ने UFU के साथ मिलके फाइनेंस मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसको कि उन्होंने सर्कुलर के फॉर्म में इशू किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि आपको भी पता है कि जो 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट है वो 31/10/2017 को एक्सपायर हो गई थी, और जो 11th सेटलमेंट है वो 21 मंथ से भी ज़्यादा हो गया है उसे ड्यू हुई को, और वो 1/11/2017 से पेंडिंग है। जब 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट होने वाली थी, तब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से IBA को काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशंस इश्यू हुई थी, जिसमें कहा गया था कि इस बार जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट है वो टाइम पे हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं और वेज रिवीजन अभी भी पेंडिंग है। नेक्स्ट, बेफी का कहना है कि फरवरी से कोई भी बातचीत नहीं हुई है वेज रिवीजन के रिगार्डिंग। न्यू गवर्नमेंट भी बन चुकी है, लेकिन फिर भी जो वेज रिवीजन का टॉपिक है वो वैसे ही का वैसे ही पड़ा है। अभी 2 महीने पहले जो लास्ट मीटिंग हुई थी, लेकिन उसमें भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला था, क्योंकि सारी यूनियंस हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। लेकिन अब जो AIBOC है और NOBO है, इन दोनों ने भी वेज रिवीजन की टॉक के लिए हाँ कर दी है। पहले ये फुल मैंडेट के कारण वेज रिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और इसमें कहा गया है कि जो ज़्यादातर बैंक हैं उन्होंने तो Scale 7 तक के लिए मैंडेट दे दिया है, मींस कि फुल मैंडेट दे दिया है, लेकिन अभी भी कुछ बैंक्स हैं जो कि Scale 3 या Scale 5 तक के लिए अड़े हुए हैं। तो IBA का कहना है कि वो सिर्फ Scale 3 तक के लिए ही जो इश्यूज हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। तो बेफी ने उन्हें कहा है कि वो बाकी बैंक से भी, बैंक मैनेजमेंट से बात करे और Scale 7 तक के लिए मैंडेट को मंजूर करवाए। बेफी ने इस लेटर में जो कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है, उसमें वेज रिवीजन के साथ साथ जो पेंशनर्स और रिटायरीज हैं उनके भी इश्यूज के बारे में डिस्कशन की है। इसमें कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायरीज हैं उनकी जो पेंशन है वो हर पे रिवीजन के साथ रिवाइज होती है, और अब RBI के जो एम्प्लॉयज हैं, रिटायरीज हैं, उनकी पेंशन के लिए भी गवर्नमेंट ने हर पे कमीशन के साथ या हर वेज रिवीजन के साथ उनमें की पेंशन रिवीजन को भी मंजूरी दे दी है। लेकिन बैंक्स की जो पेंशन है वो काफी टाइम से रिवाइज नहीं हुई है, और जो फैमिली पेंशन है उसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की नीड है, और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि वो पेंशन की रिवीजन और फैमिली पेंशन में इम्प्रूवमेंट की लिए भी थोड़ा ध्यान दें। नेक्स्ट, उन्होंने NPS जो कि न्यू पेंशन स्कीम है बैंक्स में, उसके बारे में भी डिस्कशन की है। उनका कहना है कि 1/4/2010 से जो NPS थी 9th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में वो एप्लीकेबल हो गई थी, और अभी जो सारी यूनियंस हैं, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है, वो मांग कर रहा है कि NPS को खत्म करके जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको ही बहाल किया जाए। और एंड में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा है कि लगातार जो वेज रिवीजन में डिलेज हो रहे हैं उसके कारण जो एम्प्लॉयज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, और जो IBA है वो भी वेज नेगोशिएशन के लिए ज्यादा सीरियस नहीं है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ही इसमें कुछ इंटरेस्ट ले और वेज रिवीजन और बाकी जो पेंशनर्स और रिटायरीज के मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान दे और जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करवाएं। तो फ्रेंड्स, यही था बेफी का सर्कुलर जो कि उन्होंने लेटर लिखा था फाइनेंस मिनिस्टर को। और ऐसे ही 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन पे भी प्रेस करें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।